नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। की हत्या मामले में दो आरोपी कुरुक्षेत्र के गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जैसे मर्नकर्ण के बरशैली के नेपाली मूल में एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी देवेंद्र और सत्य प्रकाश निवासी नेपाल के कुल्लू जाया करते थे। एएसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने उसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हरियाणा पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक ने भाई के निर्मल ने मुनिकर्ण पुलिस चौकी पर अपने भाई विशाल को लापता होने की शिकायत भी दर्ज की थी। पुलिस के दी शिकायत में कहा गया था कि उसका भाई 28 नवंबर रविवार को लागला से एक अन्य व्यक्ति के साथ बरशैनी सामान लेने के लिए गया था और वह अब तक नहीं लौटा था। उसी समय से वो लापता है। इसी शिकायत पर बुधवार को जब पुलिस तलाश करने के लिए बरशैली पहुंची तो छानबीन के दौरान उन्हें युवक का जूता मिला था। इसके बाद साथ लगने जंगल पहुंचे तो पुलिस को एक शव दफनाया हुआ मिला था। मृतक 24 वर्षीय विशाल नेपाल वर्तमान के कालगा किराए के मकान में रहने वाला था। वह कालगा में ही एक फेके पर काम करता था। पहली नजर में ही श्वेता को दिल दे बैठे थे आदित्य। आदित्य और श्वेता 1 दिसंबर 2020 को शादी के बंधन में बंध गए थे। मुंबई के इस कॉच मंदिर में दोनों ने शादी की थी। आदित्य और पहली नजर में ही श्वेता अग्रवाल से प्यार कर बैठे थे। कई साल डेट करने के बाद आखिरी दोनों ने शादी के बंधन में बंध दिए थे। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, जिस पर फैंस काफी पसंद कर रहे थे और प्यार लुटा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि आदित्य अपने पिता के जन्मदिन पर शादी के बंधन में बंधे थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य ने कहा था कि श्वेता अग्रवाल उनका पहला नजर का प्यार है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आई थी कि बॉस ये ही है, समझ जाओ, जितना जल्द समझ जाओ उतना ही अच्छा है। वही श्वेता अग्रवाल का कहना था कि वह आदित्य से पहले ही बार 2010 में मिली थी। दोनों की मुलाकात एक फिल्म शापित के सेट पर हुई थी। श्वेता का कहना था कि उनके मनाने के लिए आदित्य को लंबा इंतजार करना पड़ा था। दोनों की लव स्टोरी में आदित्य की मां दीपा ने भी अहम रोल निभाया था। आदित्य ने बताया था कि शुरुआत में श्वेता के कई बार प्यार से उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एक दिन मम्मी ने कहा कि अगर आप जब श्वेता को मिले तो मुझे फोन कर देना। आदित्य बताते कि श्वेता को उनकी मां से बात की और कहा कि आपको आदित्य के साथ लंच पर जाना चाहिए क्योंकि आप लोग साथ में फिल्म कर रहे हैं। आदित्य कहते हैं, इसके बाद मैं और श्वेता कोशिवारा के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। 30 मिनट तक मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जैसे उसे जिंदगी का कोई इंटरेस्ट नहीं। 4 भाषाओं में रिलीज हुआ पठान का पोस्टर। यशराज फिल्म के सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म से जुड़े पोस्टर साझा किए हैं। यह पोस्टर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु से रिलीज किया गया है। यशराज फिल्म्स के सोशल मीडिया पर लिखा है, कसकर थाम लीजिए, आपकी राइज उतार चढ़ाव के लिए भारी होने वाली है। इस फिल्म को रिलीज होने के लिए 55 दिनों का समय बचा है। बता दें कि यह फिल्म सिनेमा घरों में 25 जनवरी की रिलीज होने वाली है और पोस्टर को शाहरुख खान हाथ में बंदूक लिए नजर आने वाले हैं। वहीं दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम भी हाथ में बंदूक लिए नजर आने वाले हैं। पोस्टर पर फिल्म की रिलीज डेट और हर भाषा में उनका नाम भी लिखा हुआ है। पोस्टर ने दर्शकों को फिल्म के प्रति उत्साहित और ढेर सारा प्यार भी दिया है। उठाए पठान एक पैन इंडिया फिल्म है। बता दें कि पठान का निर्देश सिद्धार्थ आनंद ने किया है। यह फिल्म के अलावा किंग खान, जवान और डंकी के नजर आने वाले हैं। इससे पहले वह 2018 में आई फिल्म जीरो में आखिरी बार पर्दे पर नजर आए थे। वही आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी में भी कैमियो करते हुए नजर आए थे। यह सलमान खान की टाइगर 3 में भी नजर कैमियो करने वाले हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।
देख रहे हैं